दोस्तों, अगर आपने हमारा जू का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये वाला देखिए। तो उसमें मैंने आपको जू पूरा दिखाया है और जो बटरफ्लाई पार्क है जू का, वो मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ कि यहाँ का बटरफ्लाई पार्क कैसा है और क्या क्या है इसके अंदर। तो चलिए अब हम आपको बटरफ्लाई पार्क ले चलते हैं। ये लखनऊ जू, अगर आप आए हैं तो आपने ये घूमा होगा, और वैसे ये अभी नया ही बना हुआ है। तो चलिए अब हम आपको बटरफ्लाई पार्क ले चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको जू दिखाया था, मतलब एनिमल्स दिखाए थे, और इसमें मैं आपको बटरफ्लाई दिखाती। तो चलिए देखते हैं अंदर किस तरह की बटरफ्लाईज हैं। तो अभी हम अंदर चलते हैं यहाँ से, और यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पे एक बटरफ्लाई है बड़ी सी, आप देख सकते हैं सामने। तो अभी यहाँ खेल रही है और ये है ना, हाँ अभी पास से देखने जा रहे हैं और काफी अच्छा लग रहा है। बहुत सारी तितलियां छोटी छोटी पूरे में उड़ रही हैं। किसी भी पिंजरे में तो कैद हो नहीं पाएंगी, बटरफ्लाई है ना, तो फूल के ऊपर घूम रही हैं। बहुत सारी छोटी छोटी बटरफ्लाईज हैं। और ये हमारा सेकंड पार्ट है जू का। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वो पहले देख लीजिए। और ये बटरफ्लाई पार्क मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि ये अभी मैं कई बार जू में आई हूँ, लेकिन ये अभी नया ही ओपन हुआ है। तो हम लोग उनका, चलो ये भी घूमते हैं। और यहाँ का जो व्यू आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का। और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया यहाँ पर, बहुत मजा आया। और मैं भी थक गई हूँ, ये भी थक गए, अभी भी थक गए घूमते घूमते। और फूल बहुत हैं, करी पत्ता। और यहाँ पर इतनी छोटी छोटी तितलियाँ हैं ना, क्योंकि ये बटरफ्लाई पार्क है, बहुत छोटी छोटी तितलियाँ सब फूल के ऊपर, कोई भौरे हैं कोई तितली है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितने सुंदर लग रही है फ्लावर, छोटी छोटी तितलियाँ उड़ रही हैं, तो जिनको हम लोग पास से देख रहे हैं ना, तो बहुत सारी तितलियाँ हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ का नाम है बटरफ्लाई पार्क, है ना। चिड़िया भी चहक रही हैं, तो अच्छा लग रहा है। ऊपर की साइड भी देखिए कितनी सारी तितलियाँ उड़ रही हैं, छोटी छोटी हैं सब, तो इतना वीडियो में साफ नहीं आ रहा है। बहुत सारी तितलियाँ हैं, अभी पकड़ रही हैं तितलियों को, ये देखिए तितलियों को पकड़ रही हैं अभी, बड़ा मज़ा आ रहा है इनको। और ये लव बर्ड कैसे बैठे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और अब दोपहर का टाइम हो गया है, 2 बज गया है, और हम लोग को भूख लगाई, तो हम लोग हजरतगंज यहाँ पर मार्क्समैन में आए हैं कुछ खाने पीने के लिए, और यहाँ पर कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। और हम लोग जू के लिए सुबह ही निकल आए थे, क्योंकि जू में सब लोग सुबह ही जाते, सुबह अच्छा भी लगता है, 10-11 बजे तक जू में पहुँच जाओ अच्छा लगे, तो हम लोग आ गए थे। अब भूख लगाई हम लोग को, और यहाँ की पाव भाजी बहुत अच्छी है, अभी खा रहे हैं पाव भाजी। भूख लगाई थी हम लोगों को, तो हम लोग आए हैं मार्क्समैन में, और यहाँ पर हमने ऑर्डर किया है पनीर मंचूरियन और फ्राइड राइस, और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर और बहुत थक गए हैं, सुबह चले गए, तो अभी घर में भी सारा सामान ऐसे फैला हुआ, तो अब हम पूरा घर को अच्छे से साफ करेंगे और फिर आराम करें, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।